हेलो बच्चों, मैं आज आपकी मैम रेनू मैम ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिकेशंस देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग पांच पाठ छह षष्ठ पाठ है वन महोत्सव। क्या है ये? फॉरेस्ट फेस्टिवल। फेस्टिवल वो किसका? वन का, जंगल का महोत्सव, इसके बारे में जानेंगे। ये बच्चे दिख रहे हैं बच्चों आपको, विद्यालय दिख रहा है ये। यहाँ इसके बाहर ये कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, एक बालक है और एक बालिका है। देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। श्वः अस्माकं विद्यालये वन महोत्सव भविष्यति। श्वः मतलब आने वाला, कल, टुमोरो, कल हमारे विद्यालय में वन महोत्सव होगा। सर्वे छात्रा विद्यालय गमिष्यन्ति, सभी बच्चे विद्यालय जाएंगे। रामे श्यामे च स्वः स्वः क्षेत्रं निर्मलं करिष्यतः तदा तौ वृक्षान् रोपिष्यतः। राम और श्याम अपने अपने क्षेत्र को साफ करेंगे, अपने अपने क्षेत्र को, और फिर वे दोनों वृक्षों का रोपण यानी कि पेड़ लगाएंगे। सर्वे छात्रा अनेकान प्रकारान वृक्षान आनेष्यन्ति, सभी विद्यार्थी अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लेकर आएंगे। सीता वट वृक्षान आनेष्यति, सीता किसका पेड़ लाएगी? बरगद का पेड़ लाएगी। राम है आम वृक्षान आनेष्यति, राम आम का पेड़ लाएगा। सर्वे छात्रा स्व स्व क्षेत्रे वृक्षान रोपयिष्यन्ति, सभी विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्र में पौधे लगाएंगे। पश्चात ते तान वृक्षान जलेन सेचति, उसके बाद वो अपने पेड़ों को जल से क्या करेंगे? सींचेंगे, पेड़ों को जल से सींचेंगे। अस्मिन् अवसरे कृषि मंत्री महोदय विद्यालयम् आगमिष्यति, इस अवसर पर कृषि, जो हमारे कृषि मंत्री हैं महोदय, वो भी विद्यालय आएंगे। प्राचार्य महोदय मंत्री महोदय से स्वागतम करिष्यति, जो हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं वो मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। सर्वे छात्रा तम अभिवादनम करिष्यति, सभी छात्र उनका अभिवादन, उनका स्वागत करेंगे। कृषि मंत्री महोदय अपि वृक्षम रोपयिष्यति, कृषि महोदय भी पौधा लगाएंगे। तत्पश्चात प्राचार्य महोदय अपि वृक्षम रोपयिष्यति, उसके बाद जो हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं वो भी पेड़ लगाएंगे। सर्वे शिक्षका अपि वृक्षान रोपयिष्यन्ति, सभी शिक्षक भी पौधे लगाएंगे। अनंतरम एका सभा भविष्यति, उसके बाद में एक क्या होगी? सभा होगी, मीटिंग होगी। प्रियंवदा वृक्षाणाम महत्वम इति विषये व्याख्यानम करिष्यति, जो प्रियंवदा एक विद्यालय की छात्रा है वो वृक्षों के महत्व पर, इस विषय पर अपना भाषण देगी। प्राचार्य महोदय अपि अस्य उत्सवस्य महत्वम कथिष्यति, प्रधानाचार्य महोदय भी इस उत्सव के यानी कि वन के उत्सव के महत्व को बताएंगे। तत्पश्चात मंत्री महोदय स्वयं व्याख्यानम करिष्यति, उसके बाद मंत्री महोदय भी अपना भाषण देंगे। सर्वे छात्रा तम श्रोष्यन्ति, सभी छात्र उसको सुनेंगे। उत्सवस्य समापने स्वल्पाहारम भविष्यति, उत्सव के समापन पर क्या होगा? थोड़ा सा नाश्ता होगा यानी कि अल्पाहार होगा, जलपान होगा। अनंतरम मंत्री महोदय गमिष्यति, उसके बाद मंत्री महोदय जाएंगे। तथा सर्वेषु छात्रेषु मिष्ठान्नम वितरिष्यति, उसके बाद सभी छात्रों को मिठाई बांटी जाएगी, मिठाई का वितरण होगा। तो देखा आपने वन का महोत्सव, ऐसा स्कूलों में होता है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें ऐसा ही होता है। जो भी कोई चीफ गेस्ट होते हैं, कोई भी हो, यहाँ कृषि मंत्री आए थे क्योंकि पौधारोपण का कार्य था। कुछ भी कार्य होता है हमारे यहाँ, छोटे छोटे से भी अगर बच्चों कार्यक्रम होते हैं तो उसमें हम चीफ गेस्ट को, किसी मुख्य अतिथि को बुलाते हैं, उनका भाषण होता है, फिर हमारे प्रधानाचार्य भाषण देते हैं, बच्चे प्रोग्राम करते हैं, और बाद में क्या होता है, फिर कुछ ना कुछ जलपान व्यवस्था होती है या कि फिर मिठाई बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमने जाना वन के महोत्सव के बारे में। बच्चों पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। श्वः यानी कि आने वाला, कल, गमिष्यन्ति माने जाएंगे, निर्मलम माने साफ करना, रोपयिष्यन्ति माने लगाएंगे, आनेष्यन्ति लाएंगे, सेचन्ति सींचना, कथिष्यन्ति कहेंगे, स्वव्याख्यानम यानी कि अपनी बात कहना, श्रोष्यन्ति सुनेंगे, स्वल्पाहारम अल्पाहार यानी कि जलपान, मिष्ठान्नम
मिठाई वितरिष्यन्ति बांटेंगे। पाठ में आए हुए शब्द और उनके अर्थ के बारे में हमने जाना। एक्सरसाइज नंबर एक, बच्चों अभ्यास कर रहे हैं हमारा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर आप हिंदी में भी दे सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है, श्वेत विद्यालय किम भविष्य, कल विद्यालय में क्या होगा? कल विद्यालय में वन महोत्सव होगा, श्वेत विद्यालय वन महोत्सव भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे छात्रा कान रोपिष्यन्ति, सभी बच्चे क्या लगाएंगे? सर्वे छात्रा वृक्षान रोपिष्यन्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रा वृक्षात केन सिक्ष्यन्ति, बच्चे वृक्ष को किससे सिंचेंगे? छात्रा वृक्षात जलेन सिंचिष्यति। नेक्स्ट है, प्राचार्य महोदय कस्य स्वागतम करिष्यति, प्रधानाचार्य महोदय किसका स्वागत करेंगे? प्रधानाचार्य महोदय कृषि मंत्री महोदयस्य स्वागतम करिष्यति। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्सवस्य समापने किं भविष्यति, उत्सव के समापन पर क्या होगा? उत्सवस्य समापने स्वल्पाहारम भविष्यति, थोड़ा सा जलपान होगा। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज है, बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, श्वः विद्यालये वन महोत्सव भविष्यति। नेक्स्ट है, छात्रा अनेकान प्रकारान वृक्षाणि आनिष्यति। नेक्स्ट है, छात्रा वृक्षान जलेन सिंचति। नेक्स्ट, प्राचार्य महोदय आदि अस्य उत्सवस्य महत्वम कथिष्यन्ति। नेक्स्ट है, सर्वेषु क्षेत्रेषु सर्वेषु छात्रेषु मिष्ठान्नं वितरिष्यन्ति, सभी छात्रों को मिठाई बांटी जाएगी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, बच्चों हिंदी में अनुवाद करो। कुछ वाक्य यहाँ पर संस्कृत में दिए हुए हैं जिनका कि हमें हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे राम कुरुक्षेत्रम गमिष्यति, राम कुरुक्षेत्र जाएगा जाएगा। नेक्स्ट है, विष्णु माम नगरम नेष्यति, विष्णु मुझे नगर में ले जाएगा। तुम तत्र दुग्धम पाससी, तुम वहां दूध पियोगे। नेक्स्ट है, सर्वे छात्रा चित्रम द्रक्षन्ति, सभी छात्र चित्र देखते हैं। कृषि मंत्री महोदय अपि वृक्षम रोपिष्यति, कृषि मंत्री महोदय भी पेड़ लगाएंगे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, बच्चों संस्कृत में अनुवाद करना है। कुछ हिंदी के वाक्य दिए जिनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। उत्सव की समाप्ति पर जलपान होगा, उत्सवस्य समापने अल्पाहारम भविष्यति, भविष्यति। नेक्स्ट है, राम वन को जाएगा, राम वनम गमिष्यति। नेक्स्ट है, वह बगीचे में घूमने जाएगा, सह उद्याने भ्रमणाय गमिष्यति। नेक्स्ट है फिर बच्चों, मंत्री महोदय भाषण देंगे, मंत्री महोदय स्वभाषणम् कथिष्यन्ति, प्राचार्य महोदय भी इस उत्सव के महत्व का व्याख्यान देंगे। प्राचार्य महोदय अपि अस्मिन् उत्सवस्य महत्वम् व्याख्यानम् कथिष्यन्ति।
नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, विपरीतार्थक शब्द लिखो। कुछ शब्द दिए हुए जिनके कि हमें विलोम शब्द संस्कृत में करने हैं। श्वे आने वाला कल, अध्ययन आज, सर्वे किंचित या कश्चित, केचित भी हो सकता है, पश्चात पूर्व, मुख्य गौण, सभा वैयक्तिकम, जीवनम मरणम। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आई हुई एक्सरसाइज करी, कुछ हिंदी में अनुवाद करें, कुछ संस्कृत में अनुवाद करें और कुछ विपरीत शब्दों को लिखा। ये बच्चों हमारा रचनात्मक कार्य है, एक्टिविटी कार्य है, जो कि आपको गृह कार्य में अपनी उत्तर पुस्तिका में करना होगा। वृक्षों के महत्व के विषय में आपको 8 वाक्य लिखने हैं, चाहे वो 8 वाक्य आप संस्कृत में लिखिए, चाहे 8 वाक्य वो आप हिंदी में लिखिए, और अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखकर अपने टीचर को दिखाइए कि हमने कितना सुंदर कार्य किया है। वृक्षों का आप चित्र भी बनाएं, उसमें रंग भी भरें और उसके 8 वाक्य की वृक्षों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ऐसे 8 वाक्य लिखकर अपने टीचर को दिखाइए। तो इस प्रकार बच्चों हमने वन महोत्सव के बारे में जाना, किस प्रकार वन महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। आभार।